हाँ तो भाई चलो, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की भी दौड़ भाग पूरी हुई, उनको उसका फल मिला, टिकट मिलने जा रही कांग्रेस की। ऑफर भी बड़ा अच्छा दिया है राहुल गांधी ने, सोच समझ के ऑफर दिया है, सोच समझ के। लेकिन अपने किसी बंदे की टिकट नहीं कटने दी। बजरंग पुनिया बोले मैं बादली हल्के से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बादली हल्के में कौन है? बादली हल्के में पंडित जी है। अब ब्राह्मणों को तो नाराज नहीं कर सकती कांग्रेस, ब्राह्मणों को नाराज कैसे कर देगी? सीटिंग एमएलए है उसकी टिकट कैसे काट देगी? अगर उस एमएलए की टिकट काट दी तो ब्राह्मणों की वोट गई, ब्राह्मणों की वोट जाएगी किस तरफ? फिर बीजेपी की तरफ जाएगी, अगर उनके एमएलए का टिकट काट कर बजरंग पुनिया को देते हैं तो। क्योंकि हरियाणा में क्या चलता है, जाट नॉन जाट चलता है, उसके इंतजार में बैठी थी बीजेपी। उसको बता दिया बजरंग पुनिया को, ना भाई बादली वाली तो नहीं मिलेगी। अब उसकी बादली लगता था, फिर बोले जी सोनीपत की दे दो टिकट, कैसे होती है देखना। अभी थोड़ा पूरा सुनना, ध्यान से सुनना इसको वीडियो को, तब समझ में आएगा खेल कैसे चलता राजनीति का। सोनीपत में कौन है? उनका वत्स है, सिटिंग एमएलए है, लेकिन ईडी की गिरफ्त में है और जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। अब उन्होंने सोचा भाई अगर वत्स को जगह पर इसको टिकट देते हैं तो उनकी फैमिली नाराज हो जाएगी, वो हुड्डा की खास, हुड्डा की खास फैमिली हो, कैसे छोड़ दे? वो चाहता है कि वत्स की घरवाली या उनका बेटा या उनके बेटे की बहू चुनाव लड़े ताकि उस मदद मिल सके उस परिवार को। ईडी के चुगल में फंसा हुआ वत्स, अभी ईडी के चुगल में फंसा तो ईडी से निकलना तो आसान है नहीं, उसको भी नहीं छोड़ सकते भाई, उसको भी नहीं छोड़ सकते। और बता भाई बजरंग, ठीक है तू सोनीपत से लड़ना चाहता, साथ में राई लगता, तू राई से लड़ ले, राई से नहीं तू भिवानी से लड़ ले, भिवानी से चुनाव लड़ ले। मतलब कि गजब ऐसे ऐसे ऑफर चलते हैं कि ऑफरों को पूछो मत। आहा, बड़ा मजेदार गेम चलेगा आपकी बार हरियाणा में, क्योंकि उनको ना घुमाते घुमाते सोनीपत झज्जर घुमाते घुमाते कहां टेक दिया, भिवानी की तरफ टेक दिया, भिवानी की तरफ टेक दिया गया है। अब बचा कौन? बचे विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का वैसे तो दादरी है बलाली गांव है इसका, लेकिन इसकी शादी हो रखी कहां? जुलाना में। तो ये तो जुलाना से लड़ेगी चुनाव लड़ेगी तो। और इस चीज का ना एक भाई बता सकता, मैंने उसको बताया था कमेंट करके, मैं ये जुलाना से चुनाव लड़ेगी विनेश फोगाट, वो पर्सनल बात हुई थी हमारी, वो सभी को बताने के लायक भी नहीं है, सभी को बताने के लायक नहीं। मैंने पहले बताया था जुलाना से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इसके घर वाले ने इसके ससुर ने बहुत पहले बोल दिया था। हरियाणा में अब तक न तो कांग्रेस के उम्मीदवार है कि और ना ही भाजपा, हालांकि दोनों ने लगभग तय कर लिया है किन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना है, या जाने कांग्रेस का प्लान। अब देखना भाई प्लान, देखना प्लान है कि इसको प्लान कहेंगे या क्या कहेंगे हमारे को नहीं पता, लेकिन है कमाल, कुछ भी है सही लेकिन कमाल है जो कुछ भी है। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मिलने गए, वहां पर इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद आगे बातचीत हुई। बातचीत में इनसे पूछा गया इस बार हरियाणा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरा फ्री हैंड दे रखा है राहुल गांधी ने, पूरा फ्री हैंड। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से भी डिस्कशन चल रहा है, आम आदमी पार्टी को हद से ज्यादा 4 या 5 सीटें देना चाहती, कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, क्योंकि कांग्रेस ने 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रखी है और एट ए टाइम पर आम आदमी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। पंजाब में मिलाया नहीं था लेकिन यहां मिला रहे हैं। अब पंजाब में और हरियाणा की राजनीति में देखना क्या है, पंजाब में कांग्रेस वाले अमृतपाल के फेवर में खड़े हैं, अमृतपाल के फेवर में खड़े हैं, और यहां हरियाणा के अंदर कांग्रेस वाले सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, है ना, गजब का खेल। इसको कहते हैं राजनीति। अब फंसेगा कौन कौन देखना, पूरा सुनना वीडियो को, इसलिए बोला था मैंने वीडियो को पूरा सुनना। सोचते हो ना कि कहां कहां क्या क्या होता है, बताएंगे आपको। अब ये देखने वाले बात, आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, 4-5 सीट देने को तैयार है और वो 9 सीट मांग रहे हैं, बाकी तैयारी 90 की 90 सीटों पर है। सूत्रों के अनुसार विनेश, कांग्रेस ने विनेश फोगाट से संपर्क किया और उनकी इच्छा पूछी वह किस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। फिलहाल कांग्रेस ने 2 सीटों में से किसी एक का ऑप्शन दिया है, पहली है बाडड़ा और दूसरी है दादरी, दोनों सीटें चरके दादरी में है, इनमें से भूल जाना उन दोनों को। दादरी सीट पर बबीता फोगाट भाजपा की टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ी थी, हालांकि वह हार गई, तीसरे नंबर पर रही थी और सोमवीर सांगवान जीतता था वो खाप प्रधान। अभी कांग्रेस ने विनेश को साफ तौर पर कहा है वो जिस सीट पर कहेगी उन्हें टिकट मिल जाएगा। तो कांग्रेस का विनेश फोगाट का फाइनल कर दो, कौन सा? जुलाना फाइनल कर देना पहले बता रहा हूं मैं। वहीं बजरंग पुनिया ने कांग्रेस से बादली विधानसभा सीट मांगी, इस सीट पर सीटिंग विधायक कुलदीप वत्स को टिकट फाइनल कर दिया है, कुलदीप ब्राह्मण नेता है, ऐसे में कांग्रेस कुलदीप का टिकट काटकर ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए बजरंग को बहादुरगढ़ और भिवानी का ऑप्शन दिया है। बहादुरगढ़ वाला भी कहने चले भिवानी की तरफ जाएगा, बता रहा हूं मैं, यह अभी बता रहा हूं, अभी तो फाइनल होगा 2 दिन के बाद। साथ ही हरियाणा के किसी भी जाट बहुल्य सीट का ऑप्शन भी दिया है, कर दिया जाट नॉन जाट, इसी के इंतजार में तो थी बीजेपी। और ये देंगी
कांग्रेस ऐसी पार्टी है ये दिखाई देता है, अब की बार तो वही जीतेंगे, ये अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बीजेपी और टाइट हो जाओ। अभी आप लोगों को ना एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं मैं, इनका जो इनकी कमजोरी है ना असली, वो पॉइंट दूंगा मैं इनका। कांग्रेस की कोशिश है कि विनेश और बजरंग को चुनाव लड़वाया जाए जिससे पूरे हरियाणा में महिला पहलवानों के साथ हुई घटना को फिर से गरमाया जा सके। ठीक है, ये फिर से गरमाने की कोशिश होगी, इसको राजनीति कहते हैं, राजनीति। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में है ना आप एक चीज भूल गए, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। आप लोगों ने किसको पार्टी में शामिल किया? आप लोगों ने पार्टी में शामिल किया गोकुल शेतिया को, गोकुल शेतिया को हरियाणा के अंदर। गोकुल शेतिया को ज्वाइन करने से पहले क्या आपने चेक नहीं किया था कि उसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेवारी भी ली थी? क्या ऐसे अपराध मुक्त होगा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश? सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की उसने जिम्मेवारी ली थी गोकुल शेतिया ने, और उसको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। यहां तक तो ठीक था। अब तुम आप लोगों का एमएलए, आप लोगों का एमपी, एमएलए नहीं एमपी, पंजाब के अंदर वो अमृतपाल सिंह के फेवर में खड़ा है, वो अमृतपाल सिंह के फेवर में खड़ा है, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अमृतपाल सिंह के फेवर में खड़ा है। यहां आप लोग आम आदमी पार्टी को लाने के चक्कर में और आप और ही कुछ गेम खेल रहे हो। ये आपका गलत आपने फैक्ट्स पेश किए हैं अपनी फिल्म इमरजेंसी में। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा अगर देश में किसी ने विरोध किया इमरजेंसी का तो सिखों ने किया। पंजाब में 1,00,000 से ज्यादा सिखों ने गिरफ्तारी दी, जेलों में गए, इमरजेंसी का विरोध किया, और बहुत सारे लोगों ने जो बीजेपी के लोग थे। मैं, मेरा मानना है कि अगर NSA किसी पर लगनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो कंगना जैसे जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो दंगे भड़का सकते हैं, उनके खिलाफ NSA का उपयोग होना चाहिए। जो है ना जी, उसने इतने गलत अपने फैक्ट्स पेश किए हैं अपनी फिल्म इमरजेंसी में। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन उस वक्त सब मैं अपने आप को रिहा करवाया, लेकिन पंजाब के बहादुर पंजाबियों ने और सिखों ने इतनी जेलें भर दी कि उस वक्त की सरकार को इमरजेंसी विड्रॉ करनी पड़ी। ये असल फैक्ट है जो कंगना ने मिसलीड किया वो किसान। चलो, ये तो थे अपने खारा साहब जो कि लगे हैं सीटिंग एमपी हैं कांग्रेस के, अमृतपाल सिंह के फेवर में बोल रहे। उस पर अमृतपाल पर गलत NSA लगाया, NSA कंगना रनौत पर लगाना चाहिए था। यहाँ हरियाणा में क्या कर रहे हैं बताया था ना, ना कोई बीजेपी भली, ना कोई कांग्रेस भली, ना कोई झाड़ू भला, ना कोई पाड़ू भला। यहाँ पार्टियां कोई भली नहीं मेरे भाई, कोई भी भली नहीं है। अपने आप को बचा लेना, अपने बच्चों को बचा लेना, क्लियर कट बोल रहा हूँ ये, अपने आप को और अपने बच्चों को बचा लेना। ये नरबख्शी दरिंदे हैं, ये है ना कुर्सी के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, आतंकवादियों से, जिहादियों से भी हाथ मिला सकते हैं। सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। क्यों भाई चिंटू, है ना कांग्रेस तुम्हारे जैसी सोच रहे थे ना, कांग्रेस नहीं तुम्हारे, तुम्हारे से भी चार कदम आगे निकल गई यार, ये तो तुम्हारे से भी चार कदम आगे निकल गई चिंटू। चलो हो जाओ अब इसके ऊपर शुरू। पहलवानों को, खिलाड़ियों को कभी राजनीति में लेके ही नहीं आना चाहिए, खिलाड़ियों क्या पता राजनीति का, लेकिन घसीटा जाता है। पहले बीजेपी ने गीता बबीता फोगाटियों के सिर पलवान फलान, अभी बचे थे बजरंग विनेश, इनको भी ले आए राजनीति में। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? तो सीधे उनसे वाला गया को ज्वाइन करेगी कांग्रेस, अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक पोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।